ये प्रश्न एक विशेष महत्व रखता है हमारे देश और प्रजातंत्र के लिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की है और कहा है संसद को कि इस पर कानून बनना चाहिए, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। उन उत्तर में ये स्पष्ट नहीं है, संतोषजनक नहीं है। दो मुख्य बात है, गृहमंत्री जी सदन में हैं, क्या आप विचार करेंगे कि इसकी व्याख्या के लिए इंडियन पिनल कोड में संशोधन लाया जाए, तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुला के अलग अलग विधानमंडल इसको पास करें। बेहतर ये होगा कि भारत की संसद इस पे करे, एक निर्णय करे, एक संदेश जाता है, इससे पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब होता है। और दूसरा सोशल मीडिया पे भी ये प्रश्न है साहब, एक ही सवाल इसके उत्तर में बाद में है ना, मेंबर्स को मौका दूंगा। ठीक ठीक, शिवाजी ने भी यही पूछा। उपसभापति और सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा इसमें स्पेसिफिक भीड़ द्वारा हिंसा के लिए नहीं, परंतु आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के लिए मैंने स्वयं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को और जहां राष्ट्रपति शासन था वहां राज्यपालों को चिट्ठी भेजी है कि अपने अपने राज्य में अनुभवी इन्वेस्टिगेशन के अनुभवी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से चर्चा कर उनके सुझाव को यहां पर भेजे और बीपीआरएनडी के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन किया है जो कमेटी सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर आमूलचूर बदलाव के लिए उस पर सोचने का काम करेगी। ये सुझाव आने के बाद जो सुझाव आएंगे इसके आधार पर हम सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर बदलाव की कार्यवाही करेंगे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों को भी ध्यान में रखा। ठीक है, धन्यवाद। प्रवीण प्रकाश वर्मा, बात यह है कि मॉब लिंच को लेकर डिबेट हुआ था और माननीय गृहमंत्री तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमें अतिरिक्त कानून की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंडक्शन दिया है। सर, मेरा सवाल यह है कि बुलंदशहर का जो मशहूर मॉब लिंचिंग केस है उसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को जान से मार दिया गया था। जनरल क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं हो सकता है। आई एम हैविंग क्वेश्चन सर। हां प्लीज सर, उनके जो मुलजिम थे जब वो छूट के आए हैं तो उनका राजकीय स्वागत हुआ है सर। क्या मंत्री जी ने कहा था कि सरकार की मानसिकता दूसरी है तो इससे धोखा हो रहा है, कृपया स्पष्ट करने कष्ट करें। माननीय राज्य के कानून और व्यवस्था का मामला है और स्पेसिफिक इस बारे में इस प्रश्न में पूछा भी नहीं गया है। माननीय सदस्य अलग सूचना देकर प्रश्न पूछे, मैं राज्य से इन्फॉर्मेशन मंगा कर सदन के पटल पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।